सरकार के ऊपर तो संदेह रहा, पर अब न्यायालय के ऊपर भी संदेह होता। समझ में ना आवता कि यदि कभी कौनो समस्या से कोई पीड़ित हो जाए, परेशान हो जाए, तो ओकर जिम्मेदारी केकरे हाथ में देवे के चाहिए, कि जेके जेकरे पर भरोसा रहे कि नहीं इस समस्या का समाधान सही तरीके करिए। क्योंकि कमियां हर जगह दिख रही हैं। नोएडा में, जो गौतम बुद्ध जिले में पड़ता है, नोएडा आपका उत्तर प्रदेश के, निठारी एक जगह है जहां पर 2006 में नाले के पास तकरीबन 19 लड़कियां और महिलाओं का शव बरामद हुआ। शव न कह के कह सकते हैं नर कंकाल बरामद हुआ, क्योंकि लंबे समय से वहां पे था, इसलिए जो मांस था वो सड़ गल गया, हड्डी का ढांचा ही बचा था। इस पे बात करने की आवश्यकता इसलिए है, थोड़ा सा आप लोग समझें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 2006 में बहुत छोटे रहे होंगे, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जिनका जन्म नहीं रहा होगा, पर उस समय हम लोग थे, ठीक, पढ़ रहे थे। पर इस घटना से पूरा भारत परिचित था और हम लोगों के अंदर भी एक डर बन गया था कि कैसे कोई इंसान नरभक्षी हो सकता है। अजीब ना लगी कोनो आदमी जो ना आदमी का मांस खाए, अच्छा कैसन लगी, डर हो जाए ना। तो हालांकि उस समय मोबाइल वगैरह का जमाना नहीं था जो किसी भी घटना की जानकारी हम अपने एक उंगली पे पा सकते हैं, डल्ला है गूगल में कुल जानकारी आ गया। तो जानते हैं क्या होता है, 2006 में कुछ लोग देखते हैं कि जो नाला होता है वहाँ पे 19 युवतियों और महिलाओं का नर कंकाल सामने आता है। उसके बाद जब जांच पड़ताल होती है तो एक कोठी रहता है बगल में, मुनिंदर सिंह पंदेर और सुनील कोली, मुनिंदर सिंह जो पंदेर रहते हैं उनकी वो कोठी रहती है, और जो सुनील कोली होता है उसका ड्राइवर या नौकर जो भी कहें वो रहता है। और मुनिंदर सिंह पंदेर एक बड़े व्यवसायी थे। उसके बाद जब जांच प्रक्रिया होती है, सीबीआई जांच होती है, तो उसके बाद पता चलता है कि भैया जो सुनील कोली था वो महिलाओं को, लड़कियों का बहला फुसला कर काम के बहाने लेकर आता था, उसके बाद उनका यौन शोषण होता था। यहीं तक नहीं, उसके बाद जो मुनिंदर सिंह पंदेर था वो उनके मांस का भक्षण करता था, उनको खाता था। सुनने में कितना अजीब लगता था कि वास्तव में ये लोग इंसान हैं या हैवान है, दाना हुआ क्या है, है? उसके बाद सीबीआई जांच होती है, पुख्ता सबूत निकलता है और ये मैटर नेशनल इशू बन जाता है। ठीक, हर जगह यही मांग होने लगती है कि फांसी दो, फांसी दो। गाजियाबाद की सीबीआई जांच करती है, मतलब सीबीआई जांच करती है, उसके बाद जो गाजियाबाद की जो सीबीआई कोर्ट होती है वो कहती है कि भैया ऐसे मामलों में इनको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि संलिप्तता पूरी तरह से है इनकी, क्योंकि उन महिलाओं के, उन लड़कियों के साक्ष्य हम लेते हैं, उस कोठी के अंदर उनके कपड़े, चप्पल, ठीक, ब्रेसलेट, घड़ियाँ सब मिली थी। इससे क्या है, उनकी संलिप्तता पूरी तरह से सिद्ध हो गई कि हाँ भैया ये सब हैं। पर हाई कोर्ट का उत्तर प्रदेश के जो निर्णय आता है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को स्तब्ध कर देता है और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब हम लोग न्याय के लिए कहाँ जाएं। सोचिए 2006 की घटना है, उसके बाद हाई कोर्ट क्या कहता है कि पुख्ता जो है एविडेंस नहीं है, संलिप्तता इनकी नहीं मिल रही है, 60 घंटे इनको पुलिस हिरासत में रखा गया, वकील इनको नहीं करने दिया गया, इनका जांच नहीं किया गया, मतलब ऐसे तमाम तरह के प्रकरण में, प्रकरण का कह सकते हैं हवाला देकर अब किस प्रकार से छोड़ दिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के न्यायिक अधिकारियों से, इस देश के बैठे हुए जो संवैधानिक पदों से, कि जिन परिवारों की वो बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनको कौन देखा, न्याय कौन देगा और कहाँ जाएं? ऐसे में तो यही है कि यदि कहीं न कहीं सरकार और न्यायालय विफल हो जा रही है,
शासन प्रशासन विफल हो जा रहा है तो उसके बाद तो हमें खुद ही अपने न्याय का समाधान निकालना पड़ेगा। और कल को जब यही न्याय का समाधान निकालने लगेंगे तो लोग नक्सलवादी करने लगेंगे, उग्रवादी करने लगेंगे, NSA लगा देंगे तो क्या लगा देंगे। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार यदि न्याय व्यवस्था न्याय कर रही है तो पूरी तरह से गलत है। और इस प्रकार की न्याय प्रक्रिया कहीं न कहीं देश को कह सकते हैं अस्थिर करने का ही काम कर सकती है, सही काम कभी भी नहीं कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।